मैं एक बार अपने सहयोगी आसिफ साहब का रुख कर लेती हूँ। आसिफ श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, जम्मू कश्मीर में 10 साल में अगर देखें तो बहुत कुछ बदल गया है। आर्टिकल 370 का असर क्या है जमीन पर, दूसरा परिसीमन का असर क्या दिखाई दे रहा है, तो और जनता का मूड जम्मू कश्मीर में जो अब तक आप भाप पाए हैं कैसा लग रहा है, और कौन सी पार्टी आपको मजबूत लग रही है, कौन सी कमजोर लग रही है, ये सब बताइए। बिल्कुल विक्टेश, काफ़ी सारे सवाल आपने एक साथ पूछे, मैं एक एक करके जवाब देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मुद्दा आता है कि पिछले 10 वर्षों के बाद अब यहां पर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो लोगों का मूड कैसा है, इसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है। काफ़ी लोगों को इंतज़ार था कि कब जो है उनकी चुनी हुई सरकार वापस जम्मू कश्मीर में आएगी, क्योंकि लोगों के इस तरह के मुद्दे होते हैं, लोग चाहते हैं कि उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जहां पर वो जाए और उनके जो मसले मसाइल हैं उनकी सुनवाई हो। तो ऐसा जो है उपराज्यपाल के शासन में देखने को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो दूर रहते हैं राजभवन से, नहीं मिल पाते हैं एलजी को, और उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी उनके नीचे होती है उनसे भी लोगों के साथ डायरेक्ट संवाद में काफी ज्यादा दिक्कतें होती है, लोग नहीं मिल पाते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिशें की गई थी, यहां पर कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद लोगों की एक चाहत थी कि उनकी सरकार होनी चाहिए, और लोग कल की इस अनाउंसमेंट के बाद बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उसके बाद अब राजनीतिक पार्टियों पर आते हैं कि किसकी जमीन यहां पर कितनी दिख रही है, कौन मजबूत दिख रहा है। तो कश्मीर घाटी में साफ तौर पर जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए उसमें सबसे जो अधिक मजबूत पार्टी दिखी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर घाटी में दिखी, और जम्मू में बीजेपी का पलटा भारी दिखा, वहां पर उन्होंने दोनों सीटें जम्मू में जीत ली। और कश्मीर घाटी की जो 3 सीटें हैं उसमें हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 सीट हार ली, लेकिन अगर असेंबली सेगमेंट वाइज देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 40 से अधिक जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें लीड दिखाई। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर घाटी में बढ़त मिल रही है, लेकिन अब विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरह का समीकरण रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी भी लगता है कि उनका जो वोट शेयर है, उनकी जो जमीन है वो काफी मजबूत है, इस वजह से वो आप बातें कर रहे हैं कि वो इन चुनावों में अकेले खड़े होंगे, अकेले ही वो अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और इसमें एक बहुत बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस में फेरबदल ये देखने को मिल रहा है कि जो उमर अब्दुल्ला पहले बोल रहे थे कि वो खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी अब नजर आ रहा है। कल उन्होंने जो हमारे साथ बात की उन्होंने बताया कि उन पर पार्टी का काफी ज्यादा दबाव है, और हो सकता है कि अब वही नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीड करेंगे इन विधानसभा चुनावों में, और हो सकता है वही मुख्यमंत्री का चेहरा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हो। इसके बाद जो बीजेपी ने यहाँ पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कश्मीर घाटी के अंदर अपने सहयोगियों को सपोर्ट किया था, जिसमें खासतौर पर अपनी पार्टी और सजाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, तो वो सारे यहाँ पर चुनाव हार गए, यहां तक कि अपनी पार्टी जो अल्ताफ बुखारी की है उनके कैंडिडेट्स की जमानत खो गई और 4% के करीब वो वोट ले पाए। तो दोनों सजाद लोन और अपनी पार्टी को अब ये लगता है कि बीजेपी के साथ उनका नाम जुड़ा रहने से उन्हें चुनाव में नुकसान हो सकता है, इस वजह से वो लोग लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार ये कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, इस तरह की वो बातें कह रहे हैं। यानी ये भी साफ है कि वो भी यहां पर अपने दम पे चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी अब क्या अपने यहां पर कैंडिडेट उठाएगी, हालांकि उनका बहुत ही कम सपोर्ट ग्राउंड पर नजर आ रहा है, कश्मीर में वो अपने विधायक ये कैंडिडेट्स उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, इस पर अभी सवाल बना हुआ है कि बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी। लेकिन बीजेपी ने काफी सारे प्रयोग पिछले 5 वर्षों में खासतौर पर धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में किए थे, उसमें उन्हें एक कामयाबी तो जरूर मिली कि पत्थरबाजी बंद हो गई या आतंकवाद पे कश्मीर घाटी में काफी अंकुश लग गया, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू में वो आतंकवाद बढ़ा, और जो प्रयोग थे कि यहाँ की रीजनल मेन रीजनल पार्टीज नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस इनको हटा के एक नई लीडरशिप इमर्ज करनी है, वो जो है बीजेपी का मकसद लगभग यहाँ पर पूरा नहीं हुआ, उसमें वो फेल हो गए। और अब किस तरह से वो जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीति को मजबूत करेंगे वो आने वाले दिनों में देखने वाली बात जरूर होगी, लेकिन जो स्ट्रांग होल्ड बीजेपी का जम्मू
रीजन है वहां पर भी कांग्रेस को थोड़ी मजबूती मिली है। हो सकता है कि कांग्रेस वहां बीजेपी के खेमे में इस चुनाव के दौरान थोड़ी सेंध लगाने में कामयाब हो, जिस प्रकार से कल भी कांग्रेस ने यहां पर अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदला, तो काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन इस सब में मुख्य बात यह निकल कर आ रही है कि लोग काफी खुश है और राजनीतिक दल भी काफी खुश है इन चुनाव की घोषणा से। देखिए आसिफ ने वहां के लोगों का मूड क्या है और राजनीतिक हालात किस तरह के बने हुए हैं वो सब आपको समझाया डॉक्टर विनीत पुनिया। मैं आपका रुख करते हुए, देखिए जो स्ट्रेटेजी आपने अभी लोकसभा चुनाव में बनाई थी उसका फायदा भी